कलेक्टर विकास मिश्रा इन दिनों लगातार निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों सहित अन्य योजनाओं का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में जब कलेक्टर जिले के जनपद बाजाक मुख्यालय पहुंचे तो यहां शिक्षकों से संवाद करने के दौरान खपरी पानी मिडिल स्कूल से पदस्थ एक शिक्षक विजय भारवे शराब के नशे में कलेक्टर के पास जा पहुंचा। संबंधित शिक्षक अपने एरियस व वेतन भुगतान को लेकर डीएम को मारूंगा कहकर धमकी देने लगा। इसी दौरान शराबी शिक्षक ने 2 से 3 बार डीएम को मारूंगा कहा। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि हाँ मुझे मारो, बस इसके बाद बीईओ सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ ने शराबी शिक्षक को मौके से भगा दिया। फिलहाल इस मामले में कलेक्टर ने अब तक उक्त शिक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं की है। बीईओ बजाग एसके पदराम का कहना है कि घटना उनके सामने की है। शराबी शिक्षक विजय भारवे कलेक्टर को मारने की बात कह रहा था। बताया गया कि कलेक्टर ने उसे कार्यक्रम से जाने को कह दिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीएस पंडराम के अनुसार शराबी शिक्षक लगातार 3 माह स्कूल से अनुपस्थित बना हुआ है, जिसके चलते उसका वेतन व एरियर भी रुका हुआ है। शिक्षक के द्वारा मेडिकल लगाने की बात तो कही जाती है, लेकिन अब तक शराबी शिक्षक ने अपना मेडिकल प्रस्तुत नहीं किया है। इसी के चलते उसका वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। डीएम को मानने की बात को लेकर शराबी शिक्षक को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गौरव तलब है कि आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में इस तरह घटनाएं पहले भी सामने आ रही हैं, लेकिन कलेक्टर को उसके सामने इस तरह मारने की बात कहना पहली बार सामने आया है। भाई इसके इस बात से नहीं करना, गुस्सा आज मैं प्रण का क्या था, चाहे डीएम कुमार के आऊंगा, मैं डीएम कुमार के आऊंगा, ऐसे बोल क्या हमारा एरिया से नहीं मिला, जहाँ भी देखो मतदान वोटन।